नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। बीते कुछ दिनों से यूपी में आसमान से राहत बरसी और ऐसी राहत बरसी कि मानो अब गर्मी से निजात मिल गई हो और गुलाबी सर्दियों ने जो है वो दस्तक दे दी हो। लेकिन ये यूपी का मौसम है जो इन दिनों किस करवट बैठ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मौसम विभाग ने आज के लिए जो अलर्ट जारी किया है वो बीते कुछ दिनों के अलर्ट से एकदम अलग है। एक तरफ जहां बीते दिनों से मौसम खुशनुमा था और बादल कई इलाकों में छाए हुए थे, तो वहीं आज का मौसम बिल्कुल उलट रहेगा। सबसे पहले आपको ये मैप दिखाते हैं जो मौसम विभाग ने आज यानी 14 सितंबर के लिए जारी किया है। इस मैप के मुताबिक जहां बीते कुछ दिनों से यूपी में बस येलो और ऑरेंज अलर्ट दिखाई दे रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो वहीं आज के लिए मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट पूर्वी और पश्चिमी यूपी के लिए जारी कर दिया है। इसका मतलब ये कि यूपी में आज मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं बात करें अगर जिलेवार अलर्ट्स की, तो किसी भी जिले के लिए आज मौसम विभाग ने येलो या ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया है, यानी यूपी के तमाम जिले जो हैं वो ग्रीन अलर्ट में हैं। इसका मतलब ये कि मौसम यूपी के तमाम जिलों में जो है वो साफ देखा जा सकता है। हालांकि कई जिलों में बादल छाए रहने का भी अनुमान है, वहीं तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है। वहीं उत्तराखंड और बिहार से सटे जो यूपी के जिले हैं उनमें हल्की बारिश भी देखी जा सकती है। तो ये था आज यानी 14 सितंबर के लिए मौसम का हाल। आपके जिले में बीते दिन कैसे थे हालात? क्या बादल थे मेहरबान या धूप और गर्मी के सितम से थे परेशान? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वहीं यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।